मेरा नाम प्रीति बनराज, मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ सिर्फ एक ये फ्लावर क्लिप की मदद से, एक हेयर क्लिप की मदद से आपके लिए बहुत सुंदर सा बन हेयर स्टाइल, जो कि बहुत अच्छा लगेगा, बहुत स्टाइलिश है। और अच्छी बात है कि आप सेल्फ कर सकते हो, खुद से कर सकते हो और किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए रेडी हो सकते हो। तो ज़्यादा बातें ना करते तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो ये हेयर कलर मैंने कैसे किया है, इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। ये कलर काफ़ी नेचुरल है और किस तरीके से अप्लाई किया है, कौन सा हेयर कलर है और वाइट हेयर को अच्छे से कवर करता है, सब कुछ आपको डिटेल में वीडियो में अपलोड की हुई है, तो प्लीज़ जाके चेकअप कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हेयर स्टाइल है वो मैं साइड पार्टीशन से करूँगी, आप चाहो तो मिडिल पार्टीशन से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग इस तरीके से हेयर को लेंगे कॉम कर के साथ में, थोड़ा थोड़ा हेयर लेके ट्विस्ट करते जाना है। इस तरीके से ट्विस्ट करना है एंड क्लिप की मदद से इसको सिक्योर कर देना है, बॉडी क्लिप की मदद से, बॉडी क्लिप, टिक टैक क्लिप, जो भी क्लिप है आपके पास, अच्छे से इसको सेट कर लीजिएगा। दो दो क्लिप्स लगा दीजिएगा जिससे कि आपका हेयर स्टाइल हो अपनी जगह से हिले नहीं। तो जैसे हमने इस साइड पर इस तरीके से लगाया है क्लिप, वैसे ही सेम दूसरी साइड पर लगाना है। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा, इस काफ़ी इजी है, बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हो और अपनी पार्टी फंक्शन के लिए अपने बालों को अच्छा सा रूप दे सकते हो। इस साइड भी आपको दो क्लिप्स लगानी है। छोटे बालों में आप ये बहुत ही खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बना सकते हो। मेरे भी हेयर काफ़ी शॉर्ट हैं, शोल्डर लेंथ है। ओके, इस तरीके से आपको दोनों साइड से बना लेना है। बाकी बचे हेयर को अच्छे से कॉम करना है और कॉम करके एक चोटी बनाओगे अपनी। पहले एक रबर बैंड लगा दे रहे हैं, रबर बैंड को थोड़ा सा यूज करना है, एक इस तरीके से होल करना है, सारे हेयर को नीचे की तरफ से ट्विस्ट कर देना है और टाइट कर लेना है। अभी जितनी आपका आपका जो हेयर है तो इसमें एक चोटी बना लेनी है। आप देख सकते हो कितना शॉर्ट है मेरा बाल, इस कितने भी छोटे बालों में भी आप ये हेयर स्टाइल बना सकते हो। इसको बनाने के बाद से, चोटी बनाने के बाद से आपको एक रबर बैंड चाहिए होगा, जिससे कि नीचे के जो हेयर हैं छोटे होने की वजह से खुल जाएंगे, इसलिए आप रबर बैंड लगा दोगे तो ये लंबे टाइम तक टिका रहेगा आपका हेयर स्टाइल। ओके, तो रबर बैंड लगाना मत भूलिएगा। तो इस तरीके का पतला वाला रबर बैंड मैंने लिया है और इसको अपने हैंड पार्ट पे लगा देंगे। रबर बैंड लगाने के बाद फिर छोटी को इस तरीके से खींचने में और ऊपर की तरफ लेके जाना है, हैंड पार्ट को अंदर की तरफ इंसर्ट कर देना है। अब जो ये फ्लावर वाला क्लिप है इसको लेना है, कुछ इस तरीके से फंसाना है हेयर को इसमें और नीचे की तरफ इसको ऐसे लगा देना है। नीचे भी आपको अगली टाइट कर दीजिएगा ताकि आपका जो रबर बैंड है वो दिखाई ना दे और आपके हेयर स्टाइल का लुक कुछ इस तरीके का आ जाएगा। तो है ना, बहुत इजी था लो बन हेयर स्टाइल, जो कि साड़ी पे काफ़ी अच्छा लगेगा और पार्टी वेयर लुक देने के लिए इस तरीके का फ्लावर वाला हेयर क्लिप से इसको सिक्योर भी कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया। चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। तो सेकेंड हेयर स्टाइल के लिए पहले फर्स्ट हेयर स्टाइल को हमको ओपन करना होगा, तो ओपन कर लेते हैं, फाइनल लुक आप देख सकते हो। ओके, तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। फ्रंट से आप कुछ इस तरीके से लेयर्स निकाल सकते हो जिससे कि आपके हेयर स्टाइल को और भी अच्छा लुक मिल जाए।
सेकंड हेयर स्टाइल की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड सेकंड हेयर स्टाइल में भी जो फ्रंट का हमने हेयर स्टाइल बनाया है इसको ऐसे ही छोड़ेंगे और बैक में अच्छे से कॉम करेंगे और अगेन रबर बैंड को लगाएंगे। यूज करेंगे या तो फर्स्ट हेयर स्टाइल में हमने सेंटर से इस तरीके से किया था ट्विस्ट बालों को, लेकिन सेकंड वाले में आपको साइड से करना है, इस तरीके से मोल्ड करना है और सारे हेयर को दूसरी साइड में निकाल देंगे। ओके, इस तरीके से करने के बाद फिर हेयर को थोड़ा सा छोड़ेंगे और यहाँ पे आपको एक रबर बैंड लगा देना है। रबर बैंड लगाने के बाद अच्छे से हेयर को लगाएंगे इस तरीके से और एक्स्ट्रा हेयर को अंदर भी कभी कट कर देंगे और कुछ इस तरीके से रखेंगे। अगेन फ्लावर वाले फ्लिप लेंगे उसके अंदर इस तरीके से हेयर को फटाएंगे और तो रबर बैंड को भी फटा सकते हैं और दूसरी साइड से स्कैल्प के हेयर की तरफ अटैच करते हुए इस तरीके से लगा दोगे तो काफ़ी खूबसूरत सा फ्रेंच लो बन फ्रेंच वाला रेडी हो जाता है, जो कि आप पार्टी में फंक्शन में ट्राई कर सकते हो। ऊपर से हेयर को कुछ इस तरीके से खींच लेंगे जिससे थोड़ा सा काम के लिए क्राउन एरिया की हेयर में वॉल्यूम क्रिएट हो जाए और ये है फाइनल लुक सेकेंड हेयर स्टाइल का। तो साइड से कुछ इस तरीके का लुक आएगा, बैक से ऐसा दिखेगा ये और इस साइड से इस तरीके का लुक आएगा। तो आपको दोनों हेयर स्टाइल में से कौन सा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो मेरा सेकंड चैनल पे चैनल है उस पर मैं स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड और वीडियोस लेकर आते रहती हूँ, तो उस चैनल पे भी जाइए, उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए ताकि इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोज़ आप लोग को मिलती रहे। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इंस्टा आई डी PreetyY24 है एंड जो ग्रीन वाला मास्क स्टिक आता है पिंपल्स रिमूवल के लिए उसका फुल रिव्यू दिया हुआ है मेरे सेकंड चैनल पे, जिससे आपको पता चलेगा कि वो कैसा ग्लो देता है, किस टाइप का है। और हाँ, मेकअप फुल कवरेज वाला फाउंडेशन का डिमांड किया था मेरे एक सब्सक्राइबर ने, तो उसका वीडियो भी बहुत जल्दी मैं लेकर आने वाली हूँ अपने सेकेंड चैनल पर, तो उस पर भी जाइएगा और इस वाले हेयर स्टाइल का एक बार लुक अगेन देख लीजिए। तो ये थे एक फ्लावर क्लिप की मदद से दो बहुत ही क्यूट से लो बन हेयर स्टाइल। साड़ी पे आप ट्राई कर सकते हो, छोटे बालों में बना सकते हो, पतले हेयर हैं तो भी बना सकते हो और पतले हल्के बाल हैं तो भी बन जाएंगे, छोटे बालों में बन जाएंगे एंड हैवी हेयर हैं तो भी बन जाएंगे। तो एक फ्लावर क्लिप की मदद से ये दोनों क्यूट से हेयर स्टाइल आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लगना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू और टेक केयर, बाय बाय।